आज मैंने बनाया है व्रत में खाने वाला कुट्टू के आटे का बहुत ही टेस्टी वाला हलवा। ये बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत टेस्टी लगता है खाने में। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रितु। तो चलिए आइए फटाफट से वीडियो में देख लेते हैं मैंने इसे कैसे बनाया है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले गैस पे रखी मैंने एक कढ़ाई और उसमें डाला है मैंने एक चमचा भर के देसी घी, क्योंकि हलवे का स्वाद तो फ्रेंड देसी घी में ही आता है। एक बाउल भर के लिया है मैंने कुट्टू का आटा, आप चाहे तो सिंघाड़े का आटा भी ले सकते हैं। उसको डालकर हम लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भून लेंगे। 4-5 मिनट तक आप इसको भून लीजिए। हल्की हल्की सिर्फ खुशबू आने लगे इसमें से, तब हम क्या करेंगे, हमने जिस बाउल से आटा लिया था ना, उसी बाउल से हाफ बाउल भर के हम डाल देंगे चीनी। मीठा फ्रेंड्स आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, अगर आपको मीठा ज्यादा पसंद है तो आप चीनी की मात्रा थोड़ी बढ़ा दीजिएगा। और इसको भी हम लगातार भून लेंगे आटे और चीनी को मिक्स करके। मीडियम कर दीजिए आप आंच को और मीडियम आंच पे इसको भून लीजिए। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। मैंने यहाँ पर कुछ नारियल लिया है, कुछ किशमिश लिए, कुछ बादाम लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स आपको जो भी पसंद है आप इसमें डाल दीजिए। और ड्राई फ्रूट्स को भी आटे और चीनी के साथ में हम मीडियम आंच पे भून लेंगे। ये देखिए बढ़िया तरीके से ड्राई फ्रूट्स भून गए हैं हमारे, किशमिश हमारी बिल्कुल फूल गई है। अब बिल्कुल बढ़िया सी इसमें से खुशबू आने लग गई है और आटा भी हमारा हल्का हल्का सा गुलाबी हो गया। बस अब आंच को धीमा कर देंगे और इस टाइम पर हम डालेंगे जिस बाउल से मैंने आटा और चीनी लिया था ना, उसी बाउल से मैंने 2 बाउल भर के पानी डाला है और थोड़ा सा पानी और डाला है, 2-3 टेबल स्पून। बस अब इसको आप लगातार चलाते रहिए ताकि इसमें लम्स ना पड़े। और भूनते भूनते देखिए इसमें घी बिल्कुल छोड़ दिया है, ये बहुत टेस्टी बनता है फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, जिसको भी मेरी वीडियो अच्छी लग रही है वो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो कुट्टू के आटे का टेस्टी वाला हलवा तो देखिए बन के रेडी हो गया है। ये बहुत टेस्टी लगता है, जैसे हम गुरुद्वारे में हमें प्रसाद मिलता है ना, कड़ा प्रसाद, बिल्कुल वही फ्लेवर आता है। लगता ही नहीं इसको खाकर कि ये हमने कुट्टू के आटे से बनाया है। बहुत बहुत यम बनता है हमारे घर में, तो सबको फ्रेंड्स ये बहुत पसंद है। कुछ लोग फ्रेंड्स व्रत में सिर्फ मीठा खाना पसंद करते हैं, वो नमक नहीं खाते, तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप इसे एक बार मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत टेस्टी बनता है। आइए इसे एक सर्विंग बाउल में सर्व कर लेते हैं। हलवे को हम एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं और उसके ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल के इसे गार्निश कर लेते हैं। आप भी इसे ट्राई कीजिएगा, आपके घर में सबको ये बहुत पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स लाइक कर दो, कमेंट कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो। जल्दी मिलूंगी मैं आपसे ऐसी ही नई नई वीडियोस के साथ में। बाय बाय।